खैरागढ़ सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसी बीच मंत्री शिव डहरिया ने उपचुनाव को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में रुझान है, अच्छा मतदान हो रहा है। खैरागढ़ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहीं बीजेपी के जीत के दावों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास नहीं कोई मुद्दा रहा। रमन सिंह के कार्यों को अब कांग्रेस ने किया और आगे भी करेगी। वहीं 2023 की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्पष्ट रूप से 2023 में आएगी। इतना ही नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना विजन है। रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बोलता है मैं खैरागढ़ का बेटा हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। तो खैरागढ़ के लिए आपने किया क्या है? आप वहाँ के बेटे हैं तो वहाँ के लोगों की मांग तो मानना चाहिए था। खैरागढ़ को जिला बनाने का था, आपने 15 साल नहीं बनाया। गंडई को आपने घोषणा किया था तहसील बनाऊंगा, आपने तहसील नहीं बनाया, उसको हम लोगों ने बनाया। जो काम रमन सिंह जी छोड़ के गए हैं उसको उस क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग करेंगे। देखिए, हमारी रणनीति स्पष्ट है और जनता ने उस चीज़ को समझ लिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में विकास हो सकता है। और खैरागढ़ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से दिखेगा। 23 में भी हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से आएगी, 24 में भी, लोकसभा में भी हमारी सरकार जीत के आएगी और कांग्रेस पार्टी बहुमत में।